इसमें हम आज जो स्टार्ट करेंगे क्लास में उसमें हम जो टू मार्क्स के या शॉर्ट आंसर्स पॉसिबल क्वेश्चन हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ही है एक, एक्चुअली एंड दैन उसके बाद फिर हम यू you नो know, उसके रेफ्रेंस में जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसको करेंगे होपफुल इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो so दैट हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे एंड सिके लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके

उसको आपका स्पेशल सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू नहीं चाहिए होता अनयूज रूटीन्स आर नेवर लोडेड इन टू मेमोरी और जो अनयूज है जिनको आपको यूज़ नहीं करना जो रूट को आपको यूज नहीं करना वो कभी भी लोड नहीं होते मेमोरी में, में। द थर्ड वन इज लाइब्रेरी रूटीन्सर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली और जो लाइब्रेरी रूटींस होती हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देती हैं तो यहाँ पे तीन एडवाटेजेस हैं आपके डायनेमिक लिंकिंग एंड लोडिंग के दैट इज फर्स्ट एडवांटेजेज इजडिंग डज नॉट रिक्वाड स्पेशल फ्राम देश लाइब्रेरी रूटीन आर एग्जीक्यूटेडली टोटल this wasted space not allowed to any partition is called external fragmentation तो जो हमारी जो total memory है ना जितनी भी exist कर रही होती है अगर वो हर एक request को satisfy कर रही है but अगर वो contiguous नहीं है तो उसमें जो memory हो space होती है वो आपकी waste हो जाती है तो वो allow नहीं करता हर एक partition ऐसा ऐसा partition बनता है कि जिसके हिसाब से जितना आप उसको requirement हो उस हिसाब से वो इसको use कर सके okay this is what called as external fragmentation and when it does it occur suppose प्रोसेस वन रिक्वायर्स हंड्रेड के बी मान लो प्रोसेस वन कोई है जो पहला प्रोसेस है उसको हंड्रेड के बी का रिक्वायरमेंट है मेमोरी स्पेस का एंड स्पेस इज अवेलेबल बट दिस इज नॉट कंटिन्यूस यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है पर वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है टू फ्री मेमोरी ब्लॉक के बी एंड 70 KB is इज अवेलेबल फॉर compaction ऑफ रिक्वायर फॉर दैट तो उसी हिसाब से जब अगर मान लो वो contiguous नहीं है तो उसके लिए हमें मेमोरी ब्लॉक को फ्री करना पड़ता है लाइक like 50 KB से लेके 70 KB तक जो कि एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट 100 KB है वो हम अवेलेबल करते हैं उसको compact करते हैं डेटा को compress करते हैं उसके बाद हम उसको रिक्वायर जो है वो उसको uh, you know, आगे प्रोसीड कर सकते हैं Now with regard of that, the next one we have is problem of external fragmentation can be solved. अब क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि fragmentation external fragmentation क्या होता है वो कैसे आता है but अब उसके ये जो external fragmentation की problem face होती है जो external fragmentation की you know a problem हमारे पास face होती है तो हम उसको कैसे solve कर सकते हैं that what we have to discuss here is कंपैक्शन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कंपैक्शन मतलब कॉम्पैक्टनेस आप डेटा को कंप्रेस करते हो तब वो आपकी जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम मूव ऑल द फ्री होल्स टू वन साइड ऑफ द मेन मेमोरी एन क्रिएट्स लार्ज ब्लॉक ऑफ फ्री स्पेस और जितना भी उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास यू you नो know, जितना भी वो आपके फ्री होल्स बचे होते हैं जो वेस्टेड हो रहे होते हैं उन सबको वो कम्प्रेस करता है उसको एक लार्ज ब्लॉक ऑफ फ्री स्पेस में क्रिएट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टमरी में न मूविंग जीरो इम्पोर्टेंट भी है और बहुत बार पूछा भी गया है तो जीरो पेजिंग क्या होती है देर इज नो पेजिंग

ट करना है किसके बीच में पेज के और सेगमेंट के बीच में डिफरेंशियट करना है सो पेज सपोर्ट फिक्स ब्लॉक एंड सेगमेंट सपोर्ट वेरिएबल साइज ब्लॉक अगर हम पेज की बात करते हैं तो जो पेज होता है वो आपका फिक्स्ड एक फिक्सड साइज है उसको सपोर्ट करता है और सेगमेंट जो है उसके पास वेरिएबल साइज ब्लॉक सपोर्ट करता है नो सेपरेट प्रोटेक्शन फॉर द पेज एंड सेपरेट प्रोटेक्शन फॉर द सेगमेंट पेज इज इनविजिबल टू द यूजर वेयर एज सेगमेंट इज विजिबल टू द यूजर तो जो पेज होता है वो यूजर को विजिबल नहीं होता और जो सेगमेंट होता है वो यूजर को विजिबल होता है दिस वाज द टू डिफरेंस बिटवीन पहला क्या पेज जो है वो फिक्स्ड साइज ब्लॉक को सपोर्ट करता है सेगमेंट जो है वो आपका वेरिएबल साइज ब्लॉक को सपोर्ट करता है सेकेंड है आपका कि कोई भी सेफ यू नो सेपरेट प्रोटेक्शन पेज नहीं लेता और सेपरेट प्रोटेक्शन सेगमेंट भी नहीं लेता बट uh, uh, नहीं सेगमेंट लेता है ओके एंड पेज जो है वो आपको यूजर को विजिबल नहीं होता और जो आपका सेगमेंट है वो यूजर को विजिबल होता है दिस द टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन द पेज एंड द सेगमेंट मूविंग हेज वी हैव अनादर वन दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसे कि हमने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है वैसे ही हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी करेंगे दीज व टू टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट वन अवेलेबल ब्लॉक तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपका वो है, जो तब करता है जब आपका छोटा जो होता है वो लार्जर रिक्वेस्ट करता है मेमोरी को एंड इज मेमोरी विच इज इंटरनल टू दार्टिशन और ये आपका मेमोरी वो होता है जब आपका यू you नो know, एक इंटरनल पार्टीशन तो हो रहा होता है बट वो यूज नहीं हो रहा होता है Then,

Overlays, it allows a process to execute despite the system having insufficient physical memory. The idea of overlays is to keep in memory only those instructions and data that are needed at any given time. When other instructions are needed, they are loaded into the space and that was occupied previously by the instruction and that are no longer needed. Overlays do not require any spatial support. फ्राम द ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेसिकली ओवरलेस जो होता है उसको कोई भी स्पेशल सपोर्ट नहीं चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरी चीज़ ओवरलेस जो होता है वो आपका अलाउ करता है प्रोसेस को कि वो एग्जीक्यूट कर सके सिस्टम में जबकि उसके पास इनसफिशेंट फिजिकल मेमोरी है तब भी और ये ओवरलेस का जो आइडिया है वो आपका मेमोरी जो आपकी ये नो इंस्ट्रक्शन और डेटा को फॉलो करती है तो एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के लिए उसके लिए वो यूज होता है ओवरलेस कि जो डेटा है जो नीडेड है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे वो ऑब्वियस बात है कोई दूसरा अगर उसको इंस्ट्रक्शन नीडेड है तो वो उसमें लोड करके उसको यूज करके ऑक्यूपाई करके उसको अपना प्रीवियस इंस्ट्रक्शन यू नो कंप्लीट कर सकता है और उसके लिए उसको कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन को कर रहा है सॉल्व तो उसके लिए आगे को वो नहीं कर सकता तो दैट वॉट कम्स ऑफ ओवर लेस या

Allocate primary memory to process maps, process address space to the primary memory, minimize access time using the cost effective memory configuration. And the next one will be the may use static and dynamic techniques as well. Now, moving ahead, we have another question here, and that will be. मेमोरी पेज एंड सेगमेंटेशन सेगमेंट्स सो मेमोरी पेज क्या होता है और मेमोरी सेगमेंट्स क्या होता है पेज एंड सेगमेंट का डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया था अभी इसी से पहले बट दिस विल यू हैव टू डि अबाउट मेमोरी पेज एंड सेगमेंट तो लॉजिक लॉजिकल मेमोरी इज ऑल्सो ब्रोकन इन टू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज को लॉजिकल मेमोरी होती है वो आपकी यू you नो know, एक लॉजिकल मेमोरी है जो ब्रोक करती है आपके ब्लॉक्स ऑफ यू नो सेम साइज के और उसी सेम साइज को ही हम पेजेस कहते हैं

memory allocation quick fit memory allocation hota hai? that what we have to discuss here quick fit memory allocation stands that the quick of fit algorithm takes a different approach to these we have considered so far separate lists are maintained for some of the common memory sizes that are requested for example we could have a list of for holes of 4k and a list of holes of size 8K, etc. One of the list can be kept for a large holes and holes, which are not fit into a memory of the other list and a quick fit allows a holding to the right size to be found very quickly, but it suffer in that these are even more less maintenance. This what it terms as quick fit memory allocation here. Now moving ahead, we have another one and that is

approach to those that we are considered it's, uh, so far and even though they are separate you know list are that maintaining for some of the common memory sizes that are requested and for example we could have a list of for uh, you know uh, holes of 4k and the list of holes of size of 8k as well and

Size में बनाता है उसके बाद उसको फिर फिट करता है उस पर्टिकुलर में जहाँ पे मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है ओके सो ना डिस्कस नेक्स्ट हेडिंग मेमोरी मैनेजमेंट In regard of three ways used to keep track uh, of the memory usage by operating system, तो तीन तरह से जिस तरह से हम उसको use कर सकते हैं, track बना सकते हैं memory usage का जो operating system का होता है, पहला है आपका MMU, MMU, the second one is overlays जो कि मैंने भी आपको discuss के बताया था, and the third one is swapping है। ना मूविंग अःट वी हैव अ डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस आपको डिफरेंशिएट करना है लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है और फिजिकल एड्रेस आपका क्या होता है विद रिगार्ड ऑफ दैट लॉजिकल एड्रेस डज नॉट रिफर टू एन एक्चुअल एक्जिस्टिंग एड्रेस रान इट रेफर इन एन एब्सटैक स्पेस तो बेसिकली क्या होता है लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो आपका एक एक्चुअल एग्जिटिंग एड्रेस को रिफर नहीं करता Uh, जो कि उसके रिफर में वो एब्सट्रैक्ट एड्रेस को रिफर करता है जो कि एड्रेस स्पेस में ही होता है कॉन्ट्रैक्ट दिस विद फिजिकल एड्रेस दैट रिफर्स टू एन एक्चुअल फिजिकल एड्रेस इन मेमोरी और फिजिकल एड्रेस है तो फिजिकल एड्रेस uh, ही को रिफर करेगा मेमोरी में लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू पी लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो जनरेट होता है सीपीयू के थ्रू एंड इजलेटेड ट्रांसलेटेड इनटू द फिजिकल एड्रेस और वो फिर ट्रांसलेट होकर फिजिकल एड्रेस में जाता है बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जिसे हम एम एम यू बोलते हैं एंड देव फॉर द फिजिकल एड्रेस आर जनरेटेड बाय द एम एम यू और आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल एड्रेस है वो आपका एम एम यू के थ्रू जनरेट होता है एंड एम एम यू फॉर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट Now we deal with this uh, move ahead. or uh, We have, uh, as you know, that a uh, difference between logical and physical uh, uh, address. That they can ask you in the form of the differences between, as well as they can ex uh, tell you that please explain a logical address or a physical ex uh, addresses. Then also you have to explain all these. And if they had asked you about the difference between, so you have to differentiate between the two. नाउ वी डील विद एडवाटेज ऑफ इनवर्टेड पेज टेबल इनवर्टेड पेज टेबल का एडवांटेजेस क्या होता है दैट वट वी हैव टू डिस्कस एडवाटेजेस ऑफ इन्वर्टेड

सेपरेट हार्डवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड और सेपरेट हार्डवेयर जो है वो आपका रिक्वायर्ड नहीं होता होता इसलिए ये इसका एडवांटेजेस है फर्स्ट एडवांटेजेस इज इट डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ़ मेमोरी नीडेड टू द स्टोर इच पेज टेबल सेकेंड सेल बी इट लिमिट द सर्च इन यूजिंग टी एल थर्ड वॉल इज सेपरेट हार्डवेयर इज नॉट रिक्वाड Now moving ahead, uh, we have another one that is your purpose of paging and uh, the page table uh, here. So basically, uh, purpose kya hai paging ka? Joki page table uh, ke reference mein hain baat karte Toh, In a certain situation, the page table could become enlarged you know of that by paging the paging tables and then one could simplify the memory allocation problem by ensuring that everything is located at a fixed size page and opposed to the variable size chunks and also enables the swapping of portion of page. टेबल एंड देट आर नॉट बेसिकली रिलेटेड टू दैट आर नॉट करेंटली यूजो सो एक सर्टन सिचुएशन एक ऐसी आती है जिसमें हम जब पेज टेबल्स की बात करते हैं तो वो ना इतना लार्ज हो जाता है पेजिंग के लिए कि पेज टेबल के रेफरेंस में तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले मेमोरी एलोकेट करते हैं प्रॉब्लम को फिर उसके बाद उसको इंशोर करते हैं कि सारी चीज़ एलोकेटेड है सारी चीज़ें फिक्स साइज में है फिक्स नो अपोज वेरिएबल जो साइज चंक्स होते हैं उनको भी

So where that is uh, currently used, uh, that what we had uh, discussed here, uh, that uh, the variable uh, like sizing uh, that and also you know that enables to the swapping of the portions that page table that are not currently used. Now moving ahead, we have another heading that we have to discuss is translation look aside buffer used for. You translation look aside buffer use used And with regard of that, problem with paging is that एक्स्ट्रा मेमोरी so क्या होता है जो प्रॉब्लम हम पेजिंग के साथ देखने को मिलता है की जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है वो रेफरेंस करते हैं आपका बहुत प्रोग्राम को स्लो कर देता है उसके, you know, दो या तीन uh, के रेफरेंस में टू मेनी एंट्री इन द ट्रांसलेशन टेबल टू कीपोडेड इन प्रोसेस ऑफ मेमोरी टू सोल्व दिसम बी इज यूज इस प्रॉब्लम ट्रांसलेशन ये जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि वो यू नो फास्ट प्रोसेसिंग मेमोरी नहीं हो पाता है तो उसके रिफरेंस में उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टी एल बी यूज करना शुरू हुआ है टी एल बी इज यूज टू स्टोर ट्रांसलेशन टेबल एंट्रीज और टी एल बी जो है वो आपका स्टोर भी करता है फ्यू ट्रांसलेशन टेबल एंट्रीज को एज वेल well.

and uh, that is uh, divided uh, separately that segmentation divides uh, program into a number of small blocks of segment and that are known as segmentation here now moving ahead oh we have why should paging be used uh, by operating system q aapka paging jo hai wo operating system ke through used kiya jata hai

the first field is world and the second field is tag here world and tag uh, these were the two fields are there and uh, this technique is called associative mapping or this technique ko hum associative mapping kehte hai. so when uh, someone is asking you about regarding the define associative mapping or explain associative mapping you can just write it down the main memory block can be placed into any cache block position as there is

गमेंटेशन तो जो फ्रेगमेंटेशन है जो आपके आपका पेजिंग केस की बात करती हूँ तो पेजिंग के केस में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यूज होता है और सेगमेंटेशन केस में आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यूज होता है तो बोला गया है कि कौन सा फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में प्रजेंट होता है और कौन सा फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन में प्रेजेंट होता है तो अगर पेजिंग की बात करते हैं तो पेजिंग में जो आपका फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यू कैन से दैट A paging is uh, uh, internal fragmentation uh, paging is a type of internal fragmentation and segmentation ke kar ki that segmentation is a part of yeah, uh, is a type of external uh, fragmentation you can just add an online uh, with reference to while talking about the fragmentation that are present in the paging as well as in the segmentation here now moving ahead oh, we have another one to discuss here.

सिकेंड वेज ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लीव पार्टीशन अनयूज आ प्रोसेस नीड दैम और वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका पार्टीशन जो है वो आपका अनयूज uh, छोड़ देता है जब तक कि उस प्रोसेस की नीड नहीं हो इट रिड्यूस मेन मेमोरी यूज और आपका ये जो है वो आपका यू नो आपका मेन मेमोरी का जो यूज है उसको भी रिड्यूस करता है इस so वजह से आपकी ये तीन मेरिट्स ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग और फीचर्स ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग आर देयर

इट ड्रीज यहाँ पे भी दो आपके यू नो मेरिट्स हैं इन्वर्टेड पेज टेबल के इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू स्टोर ईच पेज टेबल या आपका ना अमाउंट ऑफ जो मेमोरी आपको रिक्वायर्ड होती है कि आप पेज टेबल को यू नो स्टोर करो उसको डिक्रीज कर देता है दैट सेकेंड इज असोसिएट टाइम असोसिएट टाइम मेमोरी इज वेरी फास्ट विच इज़ यूज इन अनवर्टेड पेज टेबल है तो एसोसिएटिव मेमोरी जो एसेस हम करते हैं बहुत फास्ट होता है और जो कि आपका इन्वर्टेड पेज टेबल के लिए भी यूज होता है सो इफ समवन आस्क यू अबाउट द मेरिट्स ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल और फीचर्स ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल्स यू कैन राइट इट डाउन इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द मेमोरी नीडेड टू स्टोर ईच पेज टेबल एंड द एसोसिएटिव मेमोरी एसेस इज वेरी फास्ट व्हिच इज यूज्ड एज इन्वर्टेड पेज टेबल हियर नाउ मूविंग अहेड वी हैव अ फिक्स्ड पार्टीशन

डिसएडवाटेजेस ऑफ फिक्स पार्टी सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो कि आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है सेकेंड डिस एडवांटेजेस इन एफिशियंट यूज ऑफ मेमोरी और आपका इनएफिशियट यूज होता है मेमोरी का तो अगर डिस एडवांटेजेस फिक्स पार्टीशन के पूछते हैं तो आप पार्टिशनिंग के आप बता सकते हैं दो एडवांटेजेस है सिंपल टू इम्प्लीमेंट ओवर हेड इज लेस एंड डिस अगर पूछते हैं डिस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है सेकेंड इज इनफिशियंट यूज ऑफ मेमोरीट यूज ऑफ मेमोरी होता है दिस इज ऑल्सो द सेकेंड एडवांटेजेस रिलेटेड टू द फिक्स पार्टिशनिंग Now moving ahead is variable partitioning advantages. तो अभी fixed partitioning हमने देख लिया, उसके advantages and disadvantages देख लिए। अब हम discuss करेंगे a variable. This is the second type of a partitioning. First is fixed partitioning and second is variable partitioning. Variable partitioning जो है, उसके advantages क्या हैं? इसके यहाँ पे आपके तीन advantages हैं।

फर्स्ट फिट क्या होता है वो पहले ही जो भी आपका अवेलेबल होल रहता है उसको मेमोरी में ले, ले लेता है लेने के बाद फिर उसको एक एडुक्ट साइज क्योंकि भाई वो एडिकुएट साइज का होता है तो फास्ट तो हो जाता है पर वो फिर फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में आ जाता है उसको फ्रेगमेंट करना पड़ता है बेस्ट फिट क्या होता है द सेकेंड वन विल बी बेस्ट फिट दैट इज टेक द होल दैट मोस्ट क्लोजली मैच एज एंड द साइज ऑफ द प्रोग्राम यूसेज सफिशियंट आपका जो प्रोग्राम है उस पर बिल्कुल मैच करना होगा ओके okay? आपने वो उसका साइज ऑफ प्रोग्राम के प्रोक्स ले लिया उसके बाद उसका आप यूज कर रहे हो स्लो होता है बट इफ स्टिल इट एस टू द फ्रेगमेंटेशन फॉर द बेस्ट फिटर रिगार्ड टू दर्स फिटर वर्स फिट क्या होता है बिगेस्ट पॉसिबल होल और ये जो है वो सबसे बड़ा जो सबसे बिगेस्ट पॉसिबल आपका होल होता है उसको लेता है एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लिटिल एंड वेस्टेड मेमोरी होल्स स्टिल इलेट्स टू फ्रेगमेंटेशन तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका बहुत सबसे बड़ा ले, ले लेता है जिसमें आपका यू नो रिड्यूस करते हो आप नंबर ऑफ लिटिल वेस्ट भी होते हैं मेमोरी होल्स उसके बाद भी ये फ्रेगमेंटेशन लेता है सो द नेक्स्ट टॉपिकूजर्स ऑफ पेज टेबल इज अनदर यू नो इट इज़ यूज फॉर बेसिकली आपका पेज टेबल uh, जो है हम वो किस तरह से यूज करते हैं और उसका ये किस तरह से यूज किया जाता है एंड हाउ इट इज यूज दैट वॉट वील डिस्कस यूजर्स ऑफ पेज टेबल पेज टेबल का क्या यूज है दे आर दर टू टाइप्स ऑफ यूज फर्स्ट इज इट शोज द फ्रेम लोकेशन फॉर ईच पेज ऑफ द प्रोसेस यह आपका जो है वो आपका फ्रेम uh, लोकेशन शो करता है हर एक पेज का प्रोसेस का सेकेंड

page table here now moving on with the next one that we have your non contiguous memory allocation non contiguous memory allocation kya hota hai basically for n memory look block the loss of uh, 0.5 n blocks is possible due to the external fragmentation this means that one third of the memory is not uh, unusable and but the compaction uh, is too costly to perform regularly. External fragmentation arises because we are trying to allocate memory contiguous. We can uh, deal with the external fragmentation if, if uh, we can, you know, allocate allow process uh, to be non-contiguous uh, with reference uh, to the non-contiguous memory allocation here. That what uh, we can just state here. okay now moving ahead over with the non contiguous memory allocation the another topic we have is now we deal with the consequences of swapping swapping ke kya kya consequences dekhne ko milte hain to swapping ke yaha pe char tarah ke consequences dekhne ko milte hain first consequences hai context switching time is fairly high तो context switching का जो time होता है, वो थोड़ा fairly high होता है। सेकेंड इज ओनली आइडल प्रोसेस मस्ट स्वैप और सिर्फ और सिर्फ आइडल प्रोसेस ही जो होते हैं वो स्वाप होते हैं थर्ड वन इज ट्रांसफर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वाप और जो ट्रांसफर टाइम होता है वो डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल होता है जो मेमोरी स्वाप्ड की गई है एंड इट इंक्रीज द ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हेड और आपका ये ओवर uh, हेड जो ऑपरेट

दो तरह के सिंगल कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होते हैं जो डिसेजेस फेस करने को मिलता है

Physical memory unit is called page frame. Page frame simple. your physical memory unit is a page frame. So if someone asks you about the regarding the page frame, you can just define page frame is um, states that the physical memory unit is called a page frame here. Now moving ahead, we have another one that uh, uh, is the segmentations and paging. Uh, sometimes, uh, you know, combined into a one scheme that what we have to discuss here. Segmentation and the paging are often combined in order to improve upon each other segmented paging uh, will be helpful when the page table becomes very large and a large contiguous sections of the page table the unused uh, can be collapsed into a single segment table and uh, we reference to the segmentation and paging sometimes uh, that is combined in one scheme uh, with entry with a page table address of 0 page segmentation uh, handles the case of having handling a very long segment. segmentation handles the case of having very long segments that requires lots of time for the allocation. by paging the segments, we reduced uh, wasted memory due to the external fragmentation as well as to simplify the allocation as well. So there, uh, we and ent uh, the entries over the page table that addresses of the zeros and where page segmentation handles the case of you know having a very long segment that requires a lot of time for the allocation by paying the segments. Uh, we can reduce the wasted memory due to the external fragmentation as well as to simplify the allocation as well. Now moving ahead, oh, we have a question here that is consider a logical address space. आपको एक logical address space consider थाउजेंड ट्वेंटी फोर वर्ल्ड्स एक पेज एक है आपका कंसिडर करना है जहाँ पे एट पेजेस हैंच मैडिकल मेमोरी ऑफ थर्टी टू फ्रेम्स हाउ मेनी बेट्स आर देयर इन द लॉजिकल इन द फिजिकल एड्रेस आपको बताना है कि जिसमें थर्टी टू फ्रेम्स हैं वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर वर्ल्ड्स हैं आपके और आपको बताना है वो एट पेजेस के हैं तो आपको बताना है लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना है लॉजिकल एड्रेस कितना है और फिजिकल एड्रेस में कितना है सो नो प्रॉब्लम वी जस्ट हैव टू डू एड्रेसिंग विदाउट विद इन वर्ड्स पेज रिक्वायर ओके इट रिक्वायर्स विदिन ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू टू पावर टेन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑलरेडी पावर ऑफ टू में लिखा जाता है तो टू की पावर टेन है तो इसलिए टेन बेट आपका रिप्रेजेंटेशन होगा रिक्वायर्ड होगा सिंस द लॉजिकल एड्रेस स्पेस consists of eight that is of two ki power three pages the logic uh, the address uh, must be 10 plus 3 and that is 10 plus 3 that is 13 bit similarly since there are 32 that is 2 to power 5 physical page physical address is 5 plus 10 that is 15 bit along so we will see that already 1024 is 2 to power 10 so we have 10 so we have 10 so we have 10 so we 10 so we have 10 so क्योंकि लॉजिकल एड्रेस जो स्पेस कंजस्ट कर रहा है वो आपका 2 की पावर 3 दैट इज 8 हो रहा है इसलिए 10 प्लस 3 दैट इज 13 हो गया 13 बिट आपके लिए फिजिकल के लिए और उसके बाद सर लॉजिकल के लिए और फिजिकल के लिए फिजिकल एड्रेस स्पेस के लिए क्या होता है दैट विल बी टू द पावर 5 दैट इज 32 हियर एंड दैट इज द फिजिकल पेज और हमारा पेज 10 ऑलरेडी जो कि हमारा 1024 दिया हुआ है तो 10 प्लस ऑफ 5 दैट इज 15 बिट अलोंग हियर okay this is all related to the logical address and a physical address with reference to this question here now moving ahead oh we have another one that is your memory what is memory that you have to define explain memory or define memory

होता है या तो डेस्क में होता है डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इन टू ब्लॉक्स सेम साइज कॉल्ड पेजेस और सिंपली आप बोल सकते हो कि ये जो डिफिनेशन uh, पेजेस की बता सकता है कि divide logical, logical memory को आप डिवाइड करते हो ब्लॉक्स में विदो नोनास पेजेसिड If someone asks you about the pages, you can just write it down that the address uh, space is usually uh, broken into the fixed size blocks that are called uh, pages and each blocks uh, re, uh, resides in either of the memory or uh, disk that divide uh, logical memory into the blocks of the same size and that are called pages here. Now moving ahead, uh, we have another one that we have to discuss here is. पेजेस साइज ऑलवेज पावर ऑफ टू जैस आई टोल्ड यू हम लोग देखेंगे जो पेजेस का साइज होता है वो हमेशा जो होता है वो पावर ऑफ टू में रिप्रेजेंट किया जाता है सो वट वी हैव टू डिस्कस

Moving ahead, we have another one that is your working set model. What is working set model? How do working set model is used? That what we have to discuss here. And uh, the collection of pages a process is used actively and which does be memory resident to the prevent this process uh, from thrashing.

stop running some of the threads for a while that what you can say you can explain in terms of working set models here now moving ahead we have to discuss the thrashing thrashing is also important because they can ask you in many times so thrashing is a situation थ्रैशिंग ऐसी सिचुएशन है इन विच अ प्रोसेस इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग तो थ्रैशिंग एक ऐसे सिचुएशन है जो आपका यू नो ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू पेजिंग पेजिंग से ज्यादा आपका एग्जीक्यूटिंग में टाइम ज्यादा लेता है दैट इज नोन एज थ्रैशिंग अगर थ्रैशिंग स्टेट करने को बोला जाए यू कैन जस्ट डिफाइन थ्रैशिंग इज दैट सिचुएशन इन विच अ प्रोसेस इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूटिंग से ज्यादा वो पेजिंग में अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है दैट इज नोन एज यंगयर ओकेट वी है इज

and computing the number of page faults also and these strings of memory references is called reference string here now moving ahead we have prepaging prepaging kya hota hai prepaging is an attempt to prevent high level of initial paging prepaging kya hota hai paging se pehle ka jo process hota that what we can say that has known as prepaging prepaging it is a attempt hai jab aap high level of you know initial paging karte ho The method is used to bring into the memory at one time all the pages that will be considered here now we'll uh, talk about uh, the local page replacement local page replacement kya hota hai that what we have to discuss here local page replacement is

Now moving ahead, we have deferred coalescing. Uh, coalicing uh, is your deferred coalescing and the what it stands for. That is, deferred coalicing is a policy which coalicizes a फ्री ब्लॉग्सर ब्लॉग एज अपोज टू द्री ब्लॉकलीफर्ड कोलाइसिंग क्या होता है एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे आपका फ्री ब्लॉक होते हैं जिस समाइम्स तो ऐसा होता है कि जो ब्लॉग्स आपके फ्रीड हुए हुए हैं या फिर जो अपोज किए गए हैं कोलाइसिंग वाले वो आपके फ्री कर देते हैं ब्लॉग को इमिडियटली दे आर फ्रीड Adjacent freed blocks can be coalized to form a larger freed block. Deferred coalizing is a catch-all for the policy.

इट इज पॉसिबल फॉर प्रोसेस टू हैव टू वर्किंग सेट्स वन रिप्रेजेंटिंग द डेटा एंडर कोड तो बेसिकली क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक प्रोसेस जो आपका दो वर्किंग सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो एक आपका डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हो या दूसरा आपका जो, जो कोड रिप्रेजेंट कर रहा हो क्या ये पॉसिबल है येस इट इज पॉसिबल इनफैक्ट मेनी प्रोसेस Provide two TLBs for this very reason. Uh, and as an example, we can say that the code being accessed by a process may retain the same working set for a long period of time. However, the data or the code access may change, thus, reflecting a change in the working set for the data access here. Now related to this, uh, we'll just continue here. The another topic that uh, the another topic that we have to discuss here is that why spin lock are not appropriate for uniprocessor system. Uh, get uh, may uh, suitable for the multiprocessor system. So basically uh, we have to uh, explain that spin logs you have appropriate for uh, uh, processor system we are processor system. So using a spin lock, no context switch is required when a process must return on a lock and a context switch may take considerable time. when locks are expected uh, to be held for a short time spin locks are useful. तो बेसिकली स्पिन लॉक की अगर हम बात करते हैं स्पिन लॉक आपका कोई भी कॉन्टेक्स में यूज नहीं होता स्विच uh, जो हम रिक्वायर्ड होता है ना हमारे रिली प्रोसेस के लिए दैट मस्ट ऑन अ लॉक एंड दैट स्विच मे टेक टेकिडरेबल टाइम एज वेल वो लॉक्स आपके तब एक्सपेक्टेड होते हैं जब आप शॉर्ट टाइम के लिए लॉक्स को यूज कर रहे हो देन यू कैन यूज स्पिन लॉक्स एंड दैट इज आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द शॉर्ट टाइम यो डरी मेमोरी होल्डेस नॉट प्रेमोरी तो सेकेंडरी मेमोरी जो आपके पेजेस कोल्ड करते हैं वो आपके प्रेजेंट नहीं होते मेन मेमोरी में द सेकेंडरी मेमोरी इज यूजली स्पीड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो यूजअली हाई स्पीड डिस्क होता है इट इज नोन एज अ स्वैप डिवाइस जिससे हम स्वैप डिवाइस भी बोलते हैं आम द सेक्शन ऑफ द डिस्क यूज फॉर दिस पर्पज इज नोन एज स्वैप स्पेस और जो सेक्शन आपका इस डिस्क का यूज होता है उसे हम स्वाप स्पेस भी बोलते हैं इफ समन आज रिलेटेड टू द डिफाइन स्वाप स्पेस और वट इज द स्वैप स्पेस यू कैन जस्ट डिफाइन Secondary memory holds those pages that are not present in the main memory. The secondary memory is usually a high-speed disk. Uh, it is known as the swap devices, and the sections of the disk used for the process is known as a swap disk here. Now, in terms of uh, uh, in terms of page fault, we'll discuss here. The uh, page fault is a trap.

पेज फॉल्टेड विध रिफरेंस टू दिसकस अबाउट टीएलबी टीएलबी क्या होता है टीएलबी कैचे ऑफ द मोस्ट रिसेंटली यूजेबल जो कि आपका रिसेंटली यूज पेज टेबल होगा उसका आपका मेमोरी कैचे बताते

यू नो जो फ्रेम्स हैं वो ज़्यादा ले लें टाइम जो आपके पेजेस हैं वो ज़्यादा ले लें टाइम एज कम्पेयर टू द एग्जीक्यूशन तब आपका थ्रेशिंग प्रोसेस होता है तो उसको एक्सक्लूड करके अगर हम उसको रिप्लेस करके दूसरी अलगोरथम लोकल रिप्लेसमेंट अलगोरथम यूज़ करते हैं तो हम उससे इसको अवॉइड कर सकते हैं बट अगर ये कहो कि वो प्रॉब्लम पूरी रिटायरली सॉल्व हो जाए तो ऐसा नहीं होता दैट इज़ द लिमिट एंड द इफेक्ट्स ऑफ द थ्रैशिंग है हेट वी है डिमांड पेजिंग डिमांड पेजिंग क्या होता है दैट डिमांड पेजिंग डिटर्माइज वेन द पेज शुड बी ब्रॉट Uh, into memory demand paging only brings pages into the main memory when a reference is made to a location on the page demand paging is that to determine when a page should be brought into the memory and that demand paging only brings pages into the main memory when the references is made to be the local location on that particular page now moving ahead we have a virtual memory virtual memory kya hota hai virtual memory is a technique that allows the execution of process virtual memory ek

एंड लोकल पेज रिप्लेसमेंट अलगोरथन जो होती है उसके बीच में डिफरेंस बताना है कि ग्लोबल आपका पेज रिप्लेसमेंट अलगोरथन क्या होती है और लोकल पेज रिप्लेसमेंट अलगोरथन क्या होती है ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट कंसिडर ऑल अनब्लॉक्ड पेजेस इन द मेमोरी as a candidate for the replacement regardless for which process zones a particular page local page replacement choose only among the resident page of the process and that generated the page fault is selecting a page replaced here that is the difference between the global and the local page replacement algorithm here now moving ahead with reference to this only नाउ बी लेडीज एनॉमली बी और अनोमली क्या होता है दैट फॉर सम पेज है सो दैट फॉर सम रिप्लेसमेंट अलगोरथम जो हमारी पेज रिप्लेसमेंट अलगोरथम होती है

और इन वैलिड बट इज करेंटली ऑन द डिस्क तो आपको बताएगा कि आपका आप वैलिड नहीं है या तो अगर वैलिड नहीं है इन वैलिड है तो वो करेंटली आपके डिस्क में नहीं है या फिर आपके यू नो अलॉजिक एड्रेस स्पेस में नहीं है तब वो आपको ऑलरेडी बताएगा अगर आप उस पेज को यूज करना चाहते हो या एसेस करना चाहते हो तो की डिस्टिंक्शंस बिटवीन फीफो एंड ऑप्टिमल एल्गोरिथम, सो बेसिकली क्या की डिस्टिंक्शन है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस में और आपको ऑप्टिमल एल्गोरिथम के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में दैट इज

नो कैचे हिट क्या होता है कैचे हिट के बारे में रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं कैचे हिट व्हेन द सीपीयू रिफर्स टू मेमोरी एंड फाइंड्स अ रिक्वायर्ड वर्ड इन कैचे इट इज टर्मड एज कैचे हिट तो जब आपका सीपीयू जो रिफर करता है मेमोरी को और एक्सेस के बाद वो रिक्वायर्ड वर्ड को फाइंड आउट करता है कैशे में तभी हम कैचे हिट कहते हैं उसे

next is your temporal locality. temporal locality, what is it? recently referred item are likely to be referred again in near, uh, in the, you know, that is on future. this was often caused by the spatial program uh, that is construct such as iterative loops, process tags, temporary variables or subroutines. So these work comes under the temporal uh, locality here. Now moving ahead, we have another one that is your spatial locality. Spatial locality is that locality this refers to be tendency item are likely to be referred again in the near and one another. So this is known as a spatial locality. Now moving ahead is a formula for the average memory access time. What is the formula uh, for average memory access time? The formula for average uh, memory access time is average memory access time equals to hit time. ज योर मेमोरी मैनेजमेंट बट बिफोर दैट वी है यूनिट वन दैट इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फ classification of operating system that is batch iterative time sharing real-time sharing multi programming uh multi-processor system multi-user system multi-processor systems as well as a multi-process system multi-threaded system operating system structure just map a layered structure system components operating system services and that is reentrant kernels the monolithic and microlithic uh, systems are there

नाउ मूविंग अहेड विद यूनिट फोर दैट अभी हम पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट जिसमें हमने बेसिक्स बेमशीन्स डिस्कस करेंगे रेसिडेंट मॉनिटर्स मल्टीप्रोग्रामिंग विद फिक्स पार्टीशन मल्टीप्रोग्रामिंग विद वालबल पार्टीशन सभी तो हमने सिर्फ फिक्स पार्टीशन और वॉल्यूबल पार्टीशन पढ़ा है

Where input output devices, input output subsystem, input output buffering, disk storage, and disk scheduling, RAID, file system, file concept, file organization, and access mechanism, file directories, and the file sharing, file system implementation issues, and file system protection and security. That will cover up, and we'll discuss. In all, we will complete operating system course as well. एज सुन एज पॉसिबल एंड क्लास अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इट्स अवज रिक्वेस्ट कि हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज डाले वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे एंड सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचा और ज़्यादा से ज्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें थैंक यू होप क्यू एन्जॉय दिस वीडियो इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अथ हॉप एंड गिवजेशन का कमेंट बॉक्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो चाहू थैंक यू